हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के बारे में। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट एक प्रोफेशनल मेडिकल प्रोग्राम है जो कि 3 इयर्स का होता है। ये एलिजिबिलिटी होती है 12th साइंस। तो प्रोग्राम जो होता है 3 इयर्स का होता है। अगर ये प्रोग्राम आप पास आउट करते हो तो एज ए रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट आप रिक्रूट हो जाओगे। तो ज़्यादातर आपका काम ICU में होता है या फिर एमरजेंसी वार्ड में होता है, जहाँ पर आपको असिस्ट करना होता है। फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट यानी रेस्पिरेटरी यानी जो कि लंग्स के रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए उसके रिलेटेड डिसीजेज़ को ट्रीट करते हैं, वहाँ पे असिस्ट करते हैं रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। जैसे कि अस्थमा हो गया, COPD हो गया, जहाँ जहाँ पे लंग्स के रिलेटेड डिसीज होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आजकल कोरोना के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारियां फैल रही है, तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जैसे प्रोफेशनल्स को बहुत ज़रूरत पड़ रही है हॉस्पिटल्स में। ताकि जितने ज़्यादा रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होंगे उतना ज़्यादा हैंडल कर पाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी आप अगर आप प्रोग्राम कम्प्लीट करते हो 3 इयर्स का, तो फिर इन फ्यूचर में आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट क्या होते हैं, इनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कहाँ कहाँ पे ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल में कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो होते हैं वो इमरजेंसी में काम आते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं पेशेंट को। जैसे कि इमरजेंसी में आप देखिए, कई बार पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं पेशेंट, तो वहाँ पे ट्रैकियोस्टोमी डालने में और इंट्यूबेशन करने में रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट असिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और वेंटिलेटर को सपोर्ट करते हैं, वेंटिलेटर को हैंडल करते हैं, लंग कैपेसिटी, पल्मोनरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट वेंटिलेटर्स को भी हैंडल करते हैं, वेंटिलेटर्स की जो सेटिंग्स होती है इनको बहुत जानकारी होती है, तो ये लोग भी वेंटिलेटर की सेटिंग करते हैं। सारे वाइटल साइंस जो होते हैं वेंटिलेटर्स में इन्हें सब पता होता है, या अकॉर्डिंग टू दैट ये लोग वेंटिलेटर को हैंडल करते हैं, सेटिंग करते हैं। तो एट्रियल ब्लड गैस सैंपल भी लेते हैं लोग, ये लोग सैंपल भी कलेक्ट करते हैं ब्लड का, ताकि एट्रियल ब्लड गैस को पता कर सके कितना नॉर्मल रेंज है, कितना अबनॉर्मल है, तो ये वहाँ पे भी ये लोग काम आते हैं। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को एंडोट्रेकियल ट्यूब भी डालना आता है, तो ये लोग वहाँ पे भी सपोर्ट करते हैं। हर चीज़ जो इमरजेंसी में काम आती है, जहाँ रेस्पिरेटरी अरेस्ट में चला जाता है पेशेंट, तो वहाँ पे भी ये लोग असिस्ट करते हैं। तो हर इमरजेंसी सिचुएशन में रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, कई बार एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने के बाद एक्सरे भी निकालना पड़ता है, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के एक्सरे भी निकाला जाता है, तो वहाँ पे ये लोग रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट अपना काम करते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब डाला जाता है, फिर एक्सरे निकाला जाता है, ताकि प्रॉपर पोजीशन में एंडोट्रेकियल ट्यूब बैठा है या नहीं बैठा है वो भी देखा जाता है ये रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के जरिए। कई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन जैसे कि ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन होता है, वहाँ पर भी ये लोग असिस्ट करते हैं। और कई बार COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये भी एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है जहाँ पे लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, तो ये भी यहाँ पे भी ये लोग थेरेपी का काम करते हैं, बहुत ही इमरजेंसी में ये लोग अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पे भी इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट को प्रॉपर पोजिशन देना, उनको सही तरीके से ईटी ट्यूब लगाना, प्रोन पोजिशन दे करके ईटी ट्यूब लगाना, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि इनको पता होती है और एक करेक्ट हैंडल करते हैं। तो कि ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इमरजेंसी में, प्रॉपर पोजीशन देना, प्रॉपर ईटी ट्यूब लगाना, प्रॉपर इंट्यूबेशन करना, प्रॉपर एम्बू बैग लगाना, तो ये सारी चीज़ इनको सिखाया जाता है। इनको ये लोग वेल ट्रेंड होते हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरह से काम करना आता है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, हर इमरजेंसी सिचुएशन में ये लोग काम आते हैं। जैसे कि अब समझ लीजिए, कोई ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है, सर्जरी चल रही है, तो वहाँ पे कभी भी पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में चला जाता है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी होता है पेशेंट को इंट्यूबेशन करना, ट्रैकियोस्टोमी लगाना, अम्बू बैग को लगाना, तो वहाँ पे भी इमीडिएटली ये लोग आ जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। किसी भी हालत में ये लोग पेशेंट को हैंडल कर लेते हैं, तो इनकी बहुत ज़रूरत होती है हॉस्पिटल में, खास करके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो ये हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं इजीली, ऑक्सीजन लगाना, ट्रैकोस्टोमी लगाना, इंट्यूबेशन करना, पेशेंट को अच्छे तरीके से वेंटिलेटर को सेटिंग लगाना, लंग्स वॉल्यूम सेचुरेशन को मेंटेन करना, तो हर चीज़ इन्हें पता होता है।
फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट पल्मोनरी रिहेबिलेशन में भी काम करते हैं। जैसे कि पेशेंट जो आता है रेस्पिरेटरी के रिलेटेड डिसीज़ होते हैं तो वो एडमिट होता है, पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है तो प्रॉपर तरीके से उनको मेडिसिन लेना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से केयर लेना पड़ता है, तो वो सब एडवाइज़ किया जाता है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के ज़रिए कि आपको कौन सी टेबलेट लेना है, कौन सी किस तरह से आपका ख्याल रखना है, किस तरह से आपको एक्सरसाइज करना है। तो एक मेंटली और एक तरफ से मेंटली और फिजिकली आइडियाज़ देना पड़ता है पेशेंट को। ये होता है रिहेबिलेशन। जो पेशेंट डिस्चार्ज होता है, जो लंग्स के रिलेटेड डिसीज होते हैं जैसे कि आस्थमा हो गया, COPD, ARDS जैसे सिम्टम्स होते हैं उनको, तो उनको प्रॉपर केयर लेना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से मेडिसिन लेना पड़ता है। तो पल्मोनरी रिहेबिलेशन एक मेथड है जहाँ पे हम पेशेंट को एडवाइस दे सकते हैं कि आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हो, किस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हो, किस तरह क्या क्या आपको ज़रूरी है, क्या क्या आपको डाइट करना है, क्या क्या आपको डाइट फॉलो करना है, तो हर चीज़ बताया जाता है रिहेबिलेशन के ज़रिए। तो ये भी काम रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट भी करते हैं कभी कई बार। फ्रेंड्स, ये हो गया हॉस्पिटल के रिलेटेड जो कि रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट काम करते हैं। तो आइए अब वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल जगह पे भी काम करते हैं रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। जो मैन्युफैक्चरर्स कंपनी होती है जैसे कि वेंटिलेटर्स, ऑक्सीमीटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स, सारे जो मैन्युफैक्चरर्स करते हैं सारे इक्विपमेंट्स, यहाँ पे भी लिया जाता है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को भी रिक्रूट किया जाता है ताकि आइडियाज़ दे सके। तो ऐसी मैन्युफैक्चर कंपनी भी इनको लिया जाता है, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट बोल के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पे भी इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो देखा जाए तो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट अगर आप प्रोग्राम करते हो तो आप इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो, हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हो। तो हर जगह अपॉर्चुनिटी है आपको काम करने के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के क्या क्या काम होते हैं, प्रोफेशनल मेडिकल प्रोग्राम के बारे में हमने जाना कि किस तरह से डिसीजेज में ये लोग हैंडल करते हैं, किस तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में ये लोग काम आते हैं। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के बारे में मेरा वीडियो है। तो काफ़ी सारा फ्यूचर है इसमें रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। अगर आप बनते हो तो बहुत जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कई बार घर जाकर भी काम करना पड़ता है, जैसे कि जो ओल्ड पेशेंट होते हैं वो हॉस्पिटल नहीं आ सकते, तो वहाँ पे कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि होम हेल्थ केयर जैसे स्पेशलिटी अवेलेबल करती है, जहाँ पे आपको पेशेंट के घर जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके आपको थेरेपी का काम करना पड़ता है, वहाँ पे जाके आपको पेशेंट के लिए काम करना पड़ता है, वहाँ पे जाके आपको पेशेंट को ट्रीट करना होता है। यानी कि घर जाकर के जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उनको वहाँ जाके आपको सर्विस देना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है जहाँ पे आप लोग हर चीज़ आपको कंफर्ट दिया जा रहा है, जहाँ के आप पेशेंट के पास भी जा सकते हो। तो हर इमरजेंसी सिचुएशन में आप मौजूदा रहोगे, हर इमरजेंसी सिचुएशन में आप लोग प्रेजेंट रहोगे। तो आजकल आप देख रहे हैं किस तरह से COVID-19 फैला हुआ है, जहाँ पे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, उनको खास करके रिक्रूट किया जाता है, खास अच्छी सैलरी दी जाती है। यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो और फॉरेन में भी आप काम कर सकते हो। अगर आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस करके आप फॉरेन में भी जा सकते हो तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है एज ए रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट आप काम करते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको जॉब के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। अगर आपको कुछ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट या फिर कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो ताकि मैं आपको जॉब दे सकता। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट काम करते हैं, इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती है, एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या होती है। तो ये रहा आज का वीडियो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।